हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, अभी जैसे आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हम लोग निकले थे अमृतसर से। अमृतसर से हम लोग पहुँचे पंजाब के गांव में। गांव से अभी हम लोग निकले हैं, अभी जा रहे हैं हिसार। हिसार जाते जाते बीच में आया बरनाला। बरनाला में अभी हम लोग डिनर करेंगे। अयान को करना है डिनर बरनाला में। सो अभी अयान प्रताप सिंह आए हैं दीपक ढाबा, और ये है आपका बरनाला के पास। अभी यहाँ से जा रहे हैं हिसार। थोड़ा सा अभी कुछ चाय वाय पी है, थोड़ा खाना खाया है हम लोगों ने। पूछते हैं अयान को। ऑलरेडी मैं तो दो तीन बार पहले भी आ चुका हूँ टीम के साथ। पूछते हैं अयान से, अयान को कैसा लगा। अयान, कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा आपको। क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पे? यहाँ पे खाना भी अच्छा टेस्टी है। और भीड़ इतनी है? बहुत भीड़ है। हाँ, बहुत भीड़ है। तो ज़्यादा ही भीड़ है आज तो, है ना? और जहाँ भी जा रहे भीड़ ही भीड़ मिल रही है आपको। सुबह वाला खाना खाने गए वहाँ पर भी इतनी भीड़ मिली, और यहाँ पे भी इतनी भीड़ मिल रही है। देखो, हर जगह पे लोग ही लोग हैं। आओ एक बार अंदर के टूरिंग कर देते हैं, इन लोगों को दिखा देते हैं अंदर। और कहने को ही ढाबा है, लेकिन इतना प्यारा बनाया है इन्होंने। प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं बाहर, चाट वाट का है। ये देखो, पूरा फुल बना हुआ है, एब्सोल्युटली फुल एवरीवेयर। वेरी वेरी फुल, पेट भर गया पूरा अच्छे से सबका। जाओ आगे। तो अभी आर यू रेडी? ये दो घंटे का रास्ता और रह गया आपका, अराउंड टू आवर्स का। हाँ, ओनली टू आवर्स फ्रॉम हेयर। ये आपका हिसार का है। तो हिसार में ऑलरेडी आपका जो रूम है वो बुक हो चुका है। ग्रेट अशोक के यहाँ पे ऑलरेडी बुक है, तो वहाँ जाएंगे फिर अभी। हाँ, खाना हो ही चुका है आपका, और टाइम भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 8:30 ही हुए हैं। 10:30 तक पहुँच जाएंगे वहाँ पे, 10:30 और 11 के बीच में। आराम आराम से भी गए तब भी, है ना? गाड़ी जो है इनके पीछे खड़ी हुई है वहाँ पे, तो विल सी। या चलो कार तक चलते हैं। तो अभी अयान को स्टार्ट करनी है कार एज यूजुअल। चलो, अयान ने स्टार्ट कर दिया गाड़ी, अभी चलेंगे हम लोग। वेटिंग फॉर मम्मा। एक बार फिर दिखा देता हूँ आप लोगों को कितनी भीड़ है आज यहाँ पे। देखो आप, कमाल की भीड़ है इस होटल में। अभी तक का जो सफ़र था उसमें डबल रोड मिली, बहुत अच्छा। फोर लेन रोड थी। अभी जो मिलने वाला है आपको वो सिंगल रोड मिलेगी थोड़ी देर तक। तो निकलते हैं यहाँ से फिर। हाँ चलिए। सो फाइनली अयान प्रताप सिंह पहुंच गए हैं अभी हिसार। थके हुए हैं सर? हाँ, यू आर फीलिंग टायर्ड? यू वॉन्ट स्लीप नाउ? कल सुबह जल्दी निकलना है आपको, राइट? और ये है हमारे अयान प्रताप सिंह जी का रूम। और यहाँ से भी अगर आप व्यू देखो तो बहुत ही प्यारा व्यू है, रोड साइड का पूरा व्यू दिखता है यहाँ से। और ये है अयान का पूरा रूम। तो आज की रात हिसार में ग्रेटर अशोका में रुके हैं अयान, और दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस होटल। सुबह हम लोग का प्लान है यहाँ से जल्दी निकलने का। अयान का जो रूम नंबर है वो है 303, और ये है इनका पूरा होटल। इट्स हिसार में मुझे लग रहा है कि खाली एक यही होटल है जो अप टू द मार्क है, जहाँ अयान आराम से रह सकते हैं। तो यहाँ पहुँच चुके हैं अयान प्रताप सिंह,
क्या देख रहे हैं अयान प्रताप सिंह? क्या चल रहा है? हाँ ऐसे ही देख रहे हैं YouTube. ये YouTube है? अच्छा तो आपने कनेक्ट भी कर दिया YouTube से? दिस इज स्मार्ट टीवी. ओके तो अभी क्या प्लान है, सोने का कि अभी बैठना है? अभी सोना ही है. हाँ सुबह फिर जल्दी भी उठना है आपको, है ना? चलो फिर से एवरीवन गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, बाय 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 बाय. सो नाउ दिस इज द टाइम 12:30 अप्रॉक्सीमेटली, और अभी यहाँ से भी निकलने का टाइम आ गया है हिसार से, और अभी हम लोग जाने वाले हैं प्लानिंग. बीच में एक स्टॉपेज लेंगे, उसके बाद में निकलेंगे जयपुर. और अयान प्रताप सिंह कर रहे हैं अपनी क्लास, सुबह सुबह क्लास कर रहे हैं, नहा धो चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर चुके हैं. सो हाउ वाज द ब्रेकफास्ट अयान? द ब्रेकफास्ट वाज टेस्टी. डिड यू लाइक इट? तो ये कल चल रही है अयान की क्लास. दिस इज द रूम. और फाइनली अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से. आप लोग देख सकते हो जैसे मैंने बताया था, ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हेयर. दिस इज द व्यू. बेसिकली यू कैन सी दिस इज हिसार. यहाँ से एक अच्छा व्यू आता है. दिस इज द व्यू फ्रॉम द रूम. अभी दिखाऊंगा मैं आपको रूम साहब का. सारी पैकिंग हो चुकी है, सामान बाहर जा चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है. बस अयान की क्लास पूरी होती है, उसके बाद हम लोग निकलते हैं. ओके अयान, आर यू रेडी नाउ? या एक्साइटेड टू गो टू प्लानी? आपके नानूज प्लेस, बर्थ प्लेस, वहाँ पे आपको अभी टेंपल पे जाना है, राइट? चलो तो निकलेंगे तो आपको अपडेट करेंगे फिर हम लोग बीच में क्या क्या आया. तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सैम मैम के पापा के घर. ये जगह उन्होंने अभी रिसेंटली खरीदी है, बहुत ही प्यारा घर खरीदा उन्होंने प्लानी के अंदर, और पहला विजिट हम लोग का ही है. बना बनाया घर लिया उन्होंने. यहाँ पे अयान बहुत इन्जॉय कर रहे हैं. अयान आज प्लानी की फेवरेट जो भी यहाँ की स्पेशलिटीज़ हैं जो अयान को बहुत अच्छी लगती हैं बेसिकली, वो सब खा रहे हैं वहाँ पे. उनके सैम मैम के भाई हैं, कज़िन भाई, उनकी वाइफ है वहाँ पे. और सैम मैम बड़े खुश हैं अपने पापा के घर को देख के और अपने सब कजिन्स को मिल के. प्लानी है, बहुत ही अच्छी जगह है. यहाँ पे जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी चाय आ चुकी है एज़ यूजुअल. चाय बन चुकी है, चाय आ गई है, और साथ साथ हम लोग मज़े ले रहे हैं मिठाई के. नमकीन बहुत स्वाद लगा मुझे वहाँ पे, नमकीन के बहुत, तो हमने नमकीन खाए, बाकी मीठा बहुत खाया, बहुत अच्छा लगा. चलिए अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर बिरला टेम्पल में. जैसे कि आप लोगों ने देखा बहुत ही प्यारी जगह है प्लानी जो है, बहुत ही प्यारी है. स्पेशली ये जो मंदिर में अभी हम लोग आए हैं बिरला टेंपल में, यहाँ से कुछ बहुत यादें भी जुड़ी हैं और बहुत प्यारा बनाया है. जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा टाटा बिरला, पहले अभी भी लोग बोलते हैं, पहले तो बहुत ही ज़्यादा बोलते थे टाटा बिरला टाटा बिरला. तो ये बिरला जी ने ही बनाया है ये जो मंदिर है, ये बिरला जी ने ही बनाया है. और यहाँ से यादें इसलिए भी जुड़ी हुई हैं कि सैम मैम के पापा, जैसे आप लोगों को बताया कि ये सैम मैम के पापा की बर्थ प्लेस है, और उनके पापा डेली यहाँ पे आके सेवा करते थे, डेली शाम को विदाउट फेल. ऐसा मुझे वहाँ जाके पता लगा, तो मुझे लगा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ कि इस मंदिर में उन्होंने बहुत सेवा की है. मुझे सैम मैम के कज़िन जो है वो सब बता रहे थे वहाँ पे, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, कि आंधी आए, तूफ़ान आए, गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उनकी तबीयत ठीक ना हो, फिर भी उन्होंने शाम को वहाँ आना है, डेली पूजा करनी है,
और बहुत सेवा करते थे वहाँ पे। बिरला टेंपल में काफ़ी सारे जैसे रामायण के ऊपर बहुत सारी कथा चलती थी, तो वहाँ पे उन्होंने राम का भी बहुत रोल किया है, तो वो राम भी बनते थे वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें पता लगी मुझे वहाँ जा कर के। और बाकी प्लानिंग की बात करूँ तो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, बाकी मंदिर दिस इज ब्यूटिफुल टेम्पल, ब्यूटिफुल मतलब इतना शांत, इतना अच्छा बना हुआ है, बहुत बड़ा बना है, बहुत विशाल है, इट्स वेरी वेरी बिग टेम्पल। और यहाँ पे आने के बाद में आयान को बहुत अच्छा लगा, उनके पापा को हम लोगों ने वीडियो कॉल भी किया था, सैम मैम के पापा को पूरा दिखाया, तो वो सब बता रहे थे कि वो यहाँ आया करते थे, ऐसे बैठते थे, वहाँ पे पूजा होती थी वहाँ पे, तो बहुत ही अमेजिंग एक यादें उनका पता लगा कि उनके पापा कैसे करते थे, यादें सब ताज़ा हुई। और यहाँ पे एक्चुअली कोविड की वजह से सबकी एंट्री थी नहीं जब हम लोग वहाँ पे गए हैं, अभी हम लोग जब यहाँ पे आए हैं तो वहाँ पे कोविड की वजह से एंट्री नहीं थी, वीआईपी लोगों की ही एंट्री हो रही है या जो उनके मेंबर्स हैं उनको, तो बड़ा मुश्किल से हम लोगों को एंट्री मिली, बताया उनको तब जाकर के हमको वहाँ पे एंट्री मिली। और आई एम थैंकफुल टू गॉड के जिस चीज़ के लिए गए थे वहाँ पे वो दर्शन हुए हमारे बिरला टेम्पल के, और बहुत खुले दर्शन हुए। शाम को पहुँचे थे, सुबह में हम लोग सैम मैम के पापा के घर पे ही थे, और वहाँ पर बहुत ही अच्छा घर खरीदा, जैसे आपको बताया बहुत बड़ा घर खरीदा उन्होंने वहाँ पे, अभी रिसेंटली बना बनाया घर लिया, तो वहाँ पे पूरा दिन हम लोगों ने स्पेंड किया, वहाँ पे लंच वगैरह किया, उसके बाद में अभी हम लोग टेम्पल आए हैं, मंदिर आए हैं, मंदिर में मत्था टेकेंगे, यहाँ से अभी थोड़ी देर में निकलने का प्लान है हम लोगों का, लेकिन दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से निकलने। आयान तो इतना इन्जॉय कर रहा है इस जगह को मैं बता नहीं सकता। देखिए जैसे अभी सैम मैम हैं यहाँ पे, अभी पापा को पूरा दिखा रहे हैं अपने वीडियो कॉल से, इनके पापा ही हैं अभी लाइन पे, पूरा वीडियो कॉल, सामने माँ की मूर्ति है, कितनी प्यारी है माँ की मूर्ति जो बनाया है इन्होंने, बहुत यहाँ पे उन्होंने बताया हमें कि छोटी छोटी मूर्तियाँ और उन्होंने पूरे इसमें बनवाई हैं बिरला जी ने, और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पढ़ाई का भी इंस्टीट्यूट है, जैसे आप लोगों को पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे, दूर दूर से लोग आते हैं। मेरे भी एक दोस्त हैं अलीगढ़ के सोनल, वो भी यहाँ पे पढ़ के गए हैं, बड़ी तारीफ़ करते थे। मौका मुझे आज मिला है प्लानी आने का, सैम मैम के पापा के बारे में पता लगा, बहुत सारी चीज़ों का पता लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं अगर बात करूँ तो सैम मैम के पापा का बहुत फ़ैन भी हूँ मैं, उनकी अगर मैं बात करूँ सैम मैम के पापा की, तो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है उनकी, मतलब ज़ीरो टू हीरो वाली लाइफ रही है इनके पापा की। और यहाँ पे पता लगा मुझे कि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे उनके पापा, अपने कॉलेज में स्कूल में हमेशा टॉपर ही रहे हैं। यहाँ से फिर मुंबई आए, मुंबई आकर के भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, तो वहाँ पे उन्होंने जो यहाँ पे बनाया उनकी फैमिली में, मुझे लगता है कि शायद ही किसी ने इतनी मेहनत की हो। आज उन्होंने इतने फार्म हाउस बना लिए, इतने सारे उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इतना सबको उन्होंने हेल्प भी की है, दिस इज़ अमेजिंग। और इतना अपने आप को एजुकेट किया वहाँ पे, इतने एजुकेटेड लोग मुझे उनकी एज के, अभी तो खैर सब बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, उनके सब कज़न्स को भी मिल के आया था मैं वहाँ पे, सैम मैम के कज़न्स को भी, सब ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन जो स्टार्ट किया है पढ़ाई को बेसिकली ज़्यादा जो पॉइंट किया है वो उनके पापा ने किया था। और बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर भी रहे हैं वो, सब बड़े फ़ैन हैं उनके वहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये देख के कि हमारी फैमिली में भी और मेरे इतने क्लोज हैं सैम मैम के पापा, के क्या बताऊँ, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, और आज भी अच्छी ही बात बताते हैं, कभी भी बात हो तो हमेशा बोलते हैं आप ऑनेस्टी से काम करो, हार्ड वर्क करो, और किसी का बुरा मत करो, अपने काम पर फोकस करो, माफ़ करना सीखो, चीज़ें होती रहेंगी लाइफ में, अप एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन अपना फोकस काम पे रख के ही आप लोग आगे बढ़ो। तो बहुत अच्छी लगती हैं उनकी बातें, बहुत गहराई की बातें हैं, और हमेशा हेल्प करते हैं। सैम मैम से तो खैर बहुत ही कनेक्टेड हैं, सैम मैम एक इकलौती बेटी हैं उनकी, तो वैसे भी बहुत कनेक्टेड रहते हैं, माँ बेटे का, फादर का और जो बेटी का रिश्ता रहता है वो भी एक अलग ही रहता है। तो अच्छा लगता है आज उनकी जन्मभूमि में आया मैं, यहाँ पे पूरा उनके घर देखे, पुराने घर देखे, अभी तो उन्होंने बहुत ग्रोथ कर लिया, तो अभी नए वाले घर भी देख के आए हम लोग, और पहले हम लोग शायद हम लोग ही हैं पहले गेस्ट उनके जो उस घर में गए और देख के आए। बाकी वहाँ आके बिरला टेंपल में आने का मौका मिला, इतना अच्छा बनाया है आयान ने, इतना इन्जॉय किया,
तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, दिल ही नहीं कर रहा वापस जाए। मौसम जो है थोड़ा गर्म हो गया है यहाँ पे, काफ़ी गर्मी है इस टाइम पे, लेकिन टेंपल में आने के बाद में, मंदिर में आने के बाद में जो सुकून मिला है, इधर का जो उन्होंने पूरा एरिया बनाया है आप देख सकते हो, एवरीवेयर इज़ ग्रीनरी। ग्रीनरी बोले तो दूर दूर तक बहुत ग्रीनरी यहाँ पे है, और बहुत प्लान्ड इन्होंने पूरा स्कूल जो उनका जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके जो हॉस्टल्स हैं वो भी दिखाए उन्होंने वहाँ पे सर, वहाँ पे जिस हिसाब से इन्होंने बनाया है बिरला जी ने, हैट्स ऑफ, मज़ा आया बहुत मंदिर में आने का, प्लानी आने का, उनके पापा की लाइफ हिस्ट्री पता करने का, बिरला जी का बारे में पता करने का, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं फिर कोशिश करूँगा कि मैं फिर दोबारा जल्दी हम लोग प्लान करें सैम मैम के साथ में, फिर वहाँ पे जाएं। अभी तो उन्होंने नया नया घर खरीदा, तो उन्होंने अभी पूरा प्रॉपर फर्निश किया नहीं है, लेकिन अभी वो वहीं पे ही हैं, काम चल रहा है उनके यहाँ पे। तो आई होप कि अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे तो जल्दी हम लोग वहाँ पे विज़िट भी करेंगे और घर भी देख के आएंगे। लेकिन मैं आप लोग को ही बोलूँगा, जो भी लोग प्लानी की तरफ आते हैं ज़रूर आइएगा प्लानी बिरला टेम्पल में। यहाँ की मार्केट्स भी हैं, थोड़ी कोजी हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ की मार्केट्स देख के भी। कुछ अलग तरीके की चूड़ियाँ भी दिखाई थी मुझे सैम मैम ने, कुछ अलग ही हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं लेने के लिए, एक्सपोर्ट भी होता है यहाँ से। वो चूड़ियों का नाम मैं भूल गया, लेकिन वो वहाँ पर उन्होंने वो भी दिखाया। मिठाई तो यहाँ की खैर कमाल की है, कुछ पेड़े हैं जो अयान के बड़े फेवरेट हैं, तो आते ही सबसे पहले तो अयान को पेड़े खाने को मिले, फिर उसके बाद में कुछ भुजिया टाइप था बेसन का, वो भी बहुत स्वाद लगा। मार्केट घूमे, उनके पुराने घर गए, फिर यहाँ पे भी टेंपल में आए हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, दिस इज़ अमेजिंग। अयान इज़ हैप्पी, तो मुझे लगता है बस अयान खुश है तो सब अच्छा ही अच्छा है, बाकी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। सबसे अच्छी बात है कि ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे, बहुत अच्छी ग्रीनरी। सब लोग को भी यही बोलूँगा कि पेड़ ज़रूर लगाएं जहाँ पे भी मौका मिले। सब लोग पेड़ कट बहुत रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो उसकी वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जहाँ मौका मिले पेड़ लगा दो आप, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप लोग लगाएं। सफाई का ध्यान रखें हमारे देश की, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे हम लोग एंटर हुए इस जगह पे, बाहर मेन गेट था, मेन गेट से हम लोग को एंटर किया वहाँ पे VIP पासेस लेके। अंदर आने के बाद मैं देखा वहाँ पे कितनी साफ़ सफाई है, कितनी ग्रीनरी है, कितनी शांति है, सब लोग अमेजिंग मिले वहाँ पे, बहुत ही अच्छे लोग मिले वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। इवन के टेंपल के अंदर भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, अयान को भी। तो बस यही, इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से जयपुर के लिए, फिर आपको देते हैं अपडेट। बस अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं जयपुर के लिए, फिर मिलते हैं, बताते हैं आपको जयपुर की हमारी जर्नी कैसी रही। आई होप आप लोगों ने मंदिर को भी इंजॉय किया होगा, और जो सैम मैम के पापा के बारे में बोला वो भी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो तो हीरो ही हैं, 0-2 हीरो बनने वाले हीरो ही हैं, और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनकी। कभी हुआ तो आपको और उनकी बातें बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मुझे सुनने को मिली वहाँ पे उनके बारे में। तो कभी हुआ मौका मिला तो ज़रूर बताऊंगा आपको। बाकी लेते हैं इजाज़त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।